अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कहा कि राहुल गांधी ने बिना मास्टर्स की डिग्री लिए एमफिल कैसे कर लिया। लेकिन अरुण जेटली जी यहाँ चूक गए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस संबंधी क्या नियम हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं कि राहुल गांधी की एकेडमिक योग्यता की सार्वजनिक चर्चा में कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। आखिरकार उन्होंने बिना मास्टर्स की डिग्री के एमफिल किया है। अब ये सवाल अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो सही बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लस टू के बाद बीए, बीए के बाद एमए और एमए के बाद ही आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। भारत में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं। इस समय इस देश के त्योहार के लिए पूरे देशवासी बड़े आतुरता से देख रहे हैं कि इन चुनावों के बाद केंद्र में कौन सी नई सरकार बनेगी। चुनाव के समय में उम्मीदवार जब अपने नामजदगी कागज दाखिल करते हैं तो उसमें उनको एक एफिडेविट भी देना पड़ता है, जिसमें उनकी आमदन, उनकी जायदाद, उनका फैमिली बैकग्राउंड और साथ साथ उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में भी ब्यौरा देना होता है। इस बार जब चुनाव के लिए नेताओं ने नामजदगी कागज दाखिल किए, कुछ नेताओं की शैक्षणिक योग्यता पर सवाल उठे, जैसे कि स्मृति ईरानी की डिग्री हर चुनाव में कैसे बदल जाती है, उस बारे में हमने आपको इससे पहले वाली वीडियो में बताया है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री को लेकर कांग्रेस ने सवाल उठाए थे। जिस तरीके से स्मृति ईरानी जी ने अपने एफिडेविट को लेकर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर एक चीज कायम की है कि किस तरीके से ग्रेजुएट से 12वीं कक्षा के हो जाते हैं, वो मोदी सरकार से ही और मोदी सरकार में ही मुमकिन है। आज बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने अपना चुनाव के लिए नामांकन पत्र जब दाखिल किया तो उसमें उन्होंने ब्यौरा दिया कि उन्होंने अपनी बीए की डिग्री सन 1994 में फ्लोरिडा से हासिल की थी और उसके बाद अगले साल 1995 में उन्होंने ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से एमफिल की डिग्री हासिल की। जब ये बात सामने आई तो देश के वित्त मंत्री और भाजपा के सीनियर नेता अरुण जेटली ने अपने ब्लॉग लिखकर पूछा कि भैया ये तो बताओ कि बीए करने के बाद आपने सीधे एमफिल की डिग्री हासिल कर ली और एमए की डिग्री कहाँ गई? केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर राहुल गांधी की डिग्री पर सवाल उठाए। अरुण जेटली ने ब्लॉग लिखकर कहा कि राहुल गांधी ने बिना मास्टर्स की डिग्री लिए एमफिल कैसे कर लिया। बीजेपी उम्मीदवार की शैक्षणिक योग्यता को सभी लोग देखेंगे, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि राहुल गांधी की एकेडमिक योग्यता की सार्वजनिक चर्चा में कई सवालों के जवाब नहीं मिलते हैं। आखिरकार उन्होंने बिना मास्टर्स की डिग्री के एमफिल किया है। अब ये सवाल अगर भारतीय शिक्षा प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाए तो सही बनता है, क्योंकि हमारे यहाँ पर प्लस टू के बाद बीए, बीए के बाद एमए और एमए के बाद ही आप एमफिल या पीएचडी कर सकते हैं। आप बीए के बाद सीधे एमफिल नहीं कर सकते। लेकिन अरुण जेटली जी यहाँ चूक गए कि उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इस संबंधी क्या नियम हैं। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में अगर आप बीए करने के बाद एमए का सर्टिफिकेट चाहते हैं तो उसके लिए बीए पास करने के कुछ साल बाद आप वहाँ आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए कुछ फीस जमा करानी होती है। और अगर आपका जनतक जीवन में रिकॉर्ड क्लीन है, आपका जो रिकॉर्ड है वो साफ है, तो आपको एमए सर्टिफिकेट मिल जाता है, क्योंकि वहाँ अलग से एमए के लिए कोई परीक्षा नहीं ली जाती। वहाँ पर बीए के बाद आपको एमफिल की परीक्षा ही देनी होती है। तो अरुण जेटली जी इतने पढ़े लिखे हैं, कैसे इस बात में चूक गए पता नहीं, लेकिन ये बात अब सबको स्पष्ट हो जानी चाहिए कि राहुल गांधी ने अपने एफिडेविट में नामांकन पत्र भरते समय कोई गलत सूचना अपनी शैक्षणिक योग्यता के बारे में नहीं दी है। थैंक यू, वणक्कम। Like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.